यूज ऑफ ए एंड एन। इस टॉपिक पे मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे, वो इंग्लिश में है। और आज मैं आपको जो डिस्क्राइब करूंगी वो सेम टॉपिक होगा, वो हिंदी में होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। यू नो आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं, ओके। एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, ओके। इन 5 लेटर्स को छोड़ के आपके पास जितने भी लेटर्स बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ओके। नाउ अब हम आते हैं ए का यूज और एन का यूज कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, ओके। सो ए गोज वर्ड एंड बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स। इट मीन्स ए का यूज हम जहाँ वहां करेंगे अगर कोई भी वर्ड जो होता है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, लाइक सी ए टी कैट। ये वर्ड किससे स्टार्ट हुआ है, किस लेटर से स्टार्ट हुआ है? सी से ना। सो हम इसके फ्रंट पे ए का यूज करते हैं, ओके, अंडरस्टूड। कोई भी अगर वर्ड लिखा हो उसके फ्रंट, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए का यूज करते हैं, और वॉवल लेटर से स्टार्ट होता है मीन्स ए ई आई ओ एंड यू, इस लेटर से स्टार्ट हो तो उसके हम फ्रंट पे एन लगाते हैं, एन का यूज करते हैं, ओके। आई होप आप सबको समझ आया हो। सो अब हम ये वर्क करते हैं। चलिए यहाँ पे ढेर सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब आपको ये बताना है कि हमको ए का यूज कहाँ करना है और एन का यूज कहाँ करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से तो उसको हम उसके फ्रंट पे ए राइट करते हैं, और अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है वॉवल लेटर से मीन इस लेटर से अगर स्टार्ट होता है तो उसके फ्रंट पे हम एन का यूज करेंगे, उसके फ्रंट पे एन राइट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या राइट हुआ है, सी ए के ई, सी ए के ई केक, ओके। एंड बिगनिंग लेटर इज सी एंड सी इज कॉन्सोनेंट, सो वी विल राइट हियर ए, ओके। जब कॉन्सोनेंट लेटर से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है बिगेन होता है तो हम उसके फ्रंट पे ए राइट करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज डी ओ जी डॉग एंड द बिगनिंग लेटर इज डी, सो व्हाट विल राइट हियर, व्हाट वी विल राइट हियर, ए। व्हाई वी विल राइट हियर ए, हम यहाँ पे ए क्यों राइट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो बिगनिंग लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, ओके। वॉवल है नहीं क्योंकि ये वॉवल होता है, ओके, वॉवल तो है नहीं, सो वी विल राइट हियर ए, ओके। नेक्स्ट ए पी पी एल ई एप्पल एंड द बिगनिंग लेटर इज ए एंड ए इज वॉवल, ओके, ए इज वॉवल, सो व्हाट वी विल राइट हियर, ए एन, ओके। जब वॉवल से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो हम ए एन राइट करेंगे, ओके, ए एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज जेड आई पी जिप, ओके, एंड द बिगनिंग लेटर इज जेड, सो व्हाट वी विल राइट हियर, जेड इज कॉन्सोनेंट और वॉवल, कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, सो इट इज कॉन्सोनेंट, सो वी विल राइट हियर ए। आई जी एल ओ ओ इग्लू, सो द बिगनिंग लेटर इज आई एंड आई इज वॉवल नॉट कॉन्सोनेंट। आई क्या होता है, वॉवल होता है, क्योंकि यहाँ देखो आप ये 5 लेटर्स को हम वॉवल कहते हैं ना, सो वी विल राइट हियर ए एन, ओके। वॉवल के फ्रंट पे ए एन का यूज करते हैं एंड कॉन्सोनेंट के फ्रंट पे ए का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज ओ डब्ल्यू एल आउल एंड बिगनिंग लेटर इज ओ एंड ओ इज, ओके, सो वी विल राइट अगेन ए एन। नेक्स्ट इज ई ए आर एयर, एयर मीन्स कान, सो एंड द बिगनिंग लेटर इज ई, सो ई इज वॉवल, अगेन वी विल राइट हियर ए एन, ओके। बी यू एन बन,
बिगनिंग लेटर इज बी, किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? बी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो बी इज कॉन्सोनेंट, वॉवल होता नहीं है. ओके, तब कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के, जब कॉन्सोनेंट होता है तो हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं. तो वी विल राइट हियर ए, एस एच ई ई पी, शिप. एंड बिगनिंग लेटर इज एस. तो आप यहां देखो एस है, तो हम क्या राइट करेंगे? हम यहाँ पे राइट करेंगे ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है. सो वी विल राइट हियर ए. जे यू जी, जग. एंड बिगनिंग लेटर इज जे. जे इज कॉन्सोनेंट. अगेन वी विल राइट हियर ए. ई एन जी आई एन ई, इंजन. बिगनिंग लेटर इज ई. एंड आप देखो ये वॉवल में आता है ना, ई जो है ये वॉवल में आता है. तो वॉवल जब रहता है तो क्या राइट करते हैं? ए एन. वेल डन. टी आर ई ई, ट्री. बिगनिंग लेटर इज टी. तो टी है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल है नहीं. सो अगेन वॉवल जब, कॉन्सोनेंट जब होता है तो ए का यूज करेंगे. डी ओ जी, डॉग. बिगनिंग लेटर इज डी. इट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट. तो वी विल राइट अगेन ए. सी ए टी, कैट. बिगनिंग लेटर इज सी. इस लेटर से स्टार्ट हुआ है, सी से स्टार्ट हुआ है ना, तो सी क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, वॉवल तो है नहीं. अगेन वी विल राइट हियर ए. यू एम पी आई आर ई, अम्पायर. बिगनिंग लेटर इज यू. एंड यू इज वॉवल. ओके, यू क्या है? वॉवल है ना, वॉवल में आता है. सो वी विल राइट हियर ए एन. O L I V E, olive. Beginning letter is O. तो जब O है ये vowel में आता है. Again we will write here A N. Done. Okay. I hope आप सबको ये समझ आया हो. Okay children. Now take care. Bye bye.